बच्चे अभी जो वर्कशीट स्टार्ट हो रही है हमारी जर्नल एंट्री की, इसके अंदर लगभग सारी की सारी एंट्री जितनी भी अभी तक हमने करी है लास्ट क्लास, इसके अंदर वो सारी हम कवर अप करेंगे। जैसे कि आप फर्स्ट एंट्री यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चे कि बॉट गुड्स फ्रॉम अरुण फॉर 2 लाख। बेटा बॉट का मतलब होता है यहाँ पे परचेज करना। हमने अरुण से गुड्स परचेज करे हैं कितने रुपए के बेटा, 2 लाख रुपए के, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15% एंड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, पेड 80% अमाउंट इमीडिएटली। अब इसका मतलब समझो बच्चे, यहाँ पे हमने बच्चे गुड्स किससे परचेज करे हैं, अरुण से, ठीक है। ये एंट्री अच्छी बनेगी आपके लिए, यहाँ पे देखिए। अब आप देखिए इधर भाई, हमने अरुण से 2 लाख रुपए के गुड्स परचेज करे हैं। कितने के करे हैं बच्चे यहाँ पे, 2 लाख रुपए के, जिसके ऊपर मैंने डिस्काउंट कितना देना था बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट 15% का। तो 2 लाख का 15% हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 30,000। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो गया बच्चे, वो हो गया यहाँ पे 1,70,000। ये क्या आ गया मेरा सेलिंग प्राइस, यानी इतने में मैं गुड्स बेचना चाह रहा हूं। अब हुआ क्या कि इस 1,70,000 रुपए से उसने मेरे को 80% पेमेंट इमीडिएटली कर दी। और कैश डिस्काउंट का रूल क्या है कि सिर्फ उसी पेमेंट पे हम कैश डिस्काउंट देते हैं जो कि हमें रिसीव हो गई है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 80% निकाल लूंगा अलग और 20% निकाल लूंगा बच्चे मैं यहाँ पे अलग। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा ये समझते हैं भाई। 80% अगर हम निकालते हैं, बेसिकली आप देखिए यहाँ पे 1,70,000 है बच्चे हमारे पास, उसका आपने 80% निकाला तो वो आएगा 1,36,000 रुपए, ठीक है। और उधर आप निकाल लोगे इसका 20% तो वो आ जाएगा कितना, 34,000, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे, हम यहाँ पे सोल्ड कर रहे हैं भाई। तुम्हारा रोज देखिए बच्चे, यहाँ पे 80% कितना आ गया बेटा, 1,36,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद 34,000 रुपए क्या हो गया मेरा, 20%। हमने क्या करा था बेचा, अरुण को सोल्ड करा है गुड्स। क्या करा है हमने यहाँ पे, अरुण को सोल्ड करा नहीं, बॉट परचेज करा है। तो जब हमने परचेज करा है तो ये कौन सी परचेज हो गई बच्चे मेरी, क्रेडिट परचेज। और ये वाली जो हो गई है क्या हो गई मेरी, कैश परचेज। और हम सबको पता है कि जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है बच्चे, किस पे दिया जाता है, कैश वाली पे दिया जाता है। तो अब यहाँ पे आप कैश डिस्काउंट और दे देंगे यहाँ पे, वो कितना है बच्चे हमारा, 2%। तो जब हम 2% निकालते हैं यहाँ पे तो 1,36,000 इंटू में 2%, वो आ गया बच्चे आपका 2,720 रुपए। और इसको आप माइनस कर दो इसमें से तो आपका आ गया 1,33,280 रुपीज। ये क्या हुआ बेटा मेरे को यहाँ पे, कैश रिसीव्ड। इतने का मेरे को क्या हो गया बच्चे यहाँ पे, कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। अब जब आपका ये वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाएगा ना बेटा, एंट्री अपने आप बनती चली जाएगी। देखो सबसे पहले मेरे को क्या सोचना है जनरल एंट्री करते हुए, कि हमने गुड्स परचेज किया है तो मेरे पास से पैसा जाएगा। पैसा जाएगा कितना, जो मैं एक्चुअल में पे कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हमें डिस्काउंट मिला है, अब हमने डिस्काउंट दिया नहीं है, हमें क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो हमारे लिए क्या होता है बच्चे, रिवेन्यू होता है। रिवेन्यू बढ़ने पर क्या होता है, क्रेडिट होता है। रूल्स दिमाग में आपको क्या करना है, रिपीट करने हैं। अब दो चीजें यहाँ क्लियर हो गई हमारी। तीसरी चीज ये है बच्चे कि हमने 1,70,000 का गुड्स खरीदा था, अरुण से खरीदा था, तो उधार में खरीदा ना ये वाला। तो जब क्रेडिट में खरीदा तो अरुण क्या बन जाएगा बेटा मेरे लिए, यहाँ पे क्रेडिटर बन गया एक तरीके से, है ना। तो ये क्या है मेरी लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है बच्चे, क्रेडिट होती है। अब अगर मैं इन रूल्स के अकॉर्डिंगली एंट्री को फॉलो करता हूं तो यहाँ पे एंट्री देखना बच्चे अब आप, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, सबसे पहले हमें देखना है कैश कितना आया, सॉरी गया। हम उसके लिए देखेंगे कि टोटल परचेज कितने की थी यहाँ पे ना, इसको सेलिंग प्राइस की जगह आप क्या कर दो, परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस। हमने जितने में खरीदा, तो हमने 1,70,000 रुपए का गुड्स खरीदा था, तो बेटा हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड 1,70,000, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमें देखना है मेरे पास से पैसा कितना गया, मेरे पास से पैसा गया 1,33,280 रुपए। तो यहां पे हम क्या मेंशन करेंगे, टू कैश अकाउंट 1,33,280 रुपीज और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का रिसीव किया था बच्चे हमने, 2,720 रुपए का, और टू अरुण, अरुण कितने से क्रेडिटर बन गया बच्चे,
अब देखो जब जर्नल एंट्री हो जाती है ना और ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। हमें हुआ क्या इसके अंदर, 2 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, ठीक है जी, उसमें से 30,000 रुपए का मैंने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया और हमने पहले ही सीख लिया था कि ट्रेड डिस्काउंट जर्नल के अंदर शो नहीं होना। तो एक्चुअल में मेरा परचेजिंग प्राइस क्या हुआ बेटा यहाँ पे 1,70,000। उस 1,70,000 को मैंने बाइफ्रिकेट कर दिया 2 पार्ट्स के अंदर, एक 80% जो कैश में गया, 20% जो उधार में गया। और कैश के साथ हमारे साथ एक कंडीशन की थी, हमें क्या था 2% का डिस्काउंट भी मिलना था, तो हमने वो 2% का डिस्काउंट कैश वाले पे माइनस कर दिया और बाकी के क्या बन गए बच्चे यहाँ पे, ये क्रेडिटर बन गए। तो ये सारे के सारे वर्किंग नोट्स है, वहां पे एंट्री पुट हो गई अब आपकी, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली, नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारी जो है बच्चे, ये देखिए अगली जर्नल एंट्री है, कहता है परचेज गुड्स होगा ये फॉर 20,000 फ्रॉम एक्स एंड सप्लाइड इट टू वाई। हमने एक्स से क्या करा बेटा, गुड्स परचेज करा और हमने किसको सेल कर दिया ये। अब यहाँ पे ना ये लॉजिकल है, ये छोड़ देते हैं बच्चे एंट्री, सर ये तो बड़ी नई सी आ गई कुछ लग रहा होगा आपको भी, ठीक है ना, नहीं कुछ नहीं है बेटा। परचेज सबसे पहले तो ये फूड्स नहीं है, गुड्स है। हमने 20,000 का गुड्स एक्स से परचेज किया तो हम यहाँ पे सिंपल एंट्री करेंगे, पार्टी का नाम दिया हुआ तो कैसे परचेज हुआ होगा, ये उधार में क्रेडिट में परचेज हुआ है। एंड सप्लाइड इट टू वाई फॉर 26,000। सप्लाई का मतलब होता है सेल करना और मैंने उसको वाई को सेल कर दिया कितने में, 26,000 रुपए में। तो सिंपल परचेज और सेल की एंट्री है ये बस, ठीक है। एंट्री होगी कैसे वो देख लेते हैं हम। अगर मैं सेकंड एंट्री की बात करता हूँ बच्चे आपकी, तो देखिए यहाँ पे ये हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री अगर मैं करता हूँ, मैंने गुड्स किससे खरीदे हैं, एक्स से, ठीक है जी। तो मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पे बच्चे, परचेज अकाउंट डेबिटेड 20,000, किससे खरीदे हैं, एक्स से 20,000। ये तो हो गई पहली एंट्री हमारी परचेज करने की। उसके बाद मैंने ये 20,000 वाला गुड्स किसको बेच दिया आगे, वाई को। तो वाई को सेल किया है तो वाई डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितने में बेचा है बच्चे यहां पे, ये 20, ठीक है। दो एंट्रीज को मर्ज करके एक में दिया हुआ, तो आपकी एंट्री ये बनेगी यहां पे बेसिकली, ठीक है। इसके बाद अगली एंट्री पे आते हैं बच्चे, अगली एंट्री ये है यहां पे, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000। हमने 5,000 रुपए का कैश विड्रॉ किया है बैंक से पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए किया है बच्चे यहाँ पे, पर्सनल यूज, ये काम याद रखना है हमें, पर्सनल यूज मीन्स ड्रॉइंग्स है हमारी। एंड 25,000 ऑफ ऑफिस यूज, और 25,000 किसके लिए निकाले हैं हमने, ऑफिस यूज के लिए। तो अब एंट्री के अंदर देखो चेंज क्या आता है इन दोनों वर्ड्स की वजह से। देखिए यहाँ पे अगर मैं बच्चे यहाँ पे थर्ड एंट्री पास आउट करता हूं, मैंने क्या करे हैं, पैसे निकाले हैं, कहां से निकाले हैं बच्चे, बैंक से निकाले हैं, तो बैंक तो क्रेडिट होगा ऑब्वियसली बात है भाई, जब पैसा निकाला है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्या होता है हमारा, क्रेडिट होता है। आया क्या, किस किस रीजन से निकाला है बेटा पैसा, सबसे पहले ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, कितने से किया था 5,000। अगली एंट्री हो जाएगी यहां कैश अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू बैंक अकाउंट 30,000, ठीक है। अब समझो क्या हुआ यहां, भाई मैंने बैंक से कितना पैसा निकाला था, 30,000 रुपए, उसमें से 5,000 थे मेरे पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या बन गई बेटा, ड्रॉइंग्स। और यहाँ पे बच्चे ड्रॉइंग्स क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि ड्रॉइंग्स का नेचर क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो क्या होते हैं बेटा, डेबिट होते हैं। कैश निकाला तो मेरे पास कैश आया, कैश का नेचर क्या है, असेट्स, और असेट्स जब भी बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। तो एंट्री बन गई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बच्चे हम अपनी, फोर्थ एंट्री है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्ट प्राइस 40,000। हमारे गुड्स में आग लगी और 40,000 रुपए के गुड्स क्या हो गए बेटा हमारे, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे फोर्थ एंट्री। तो बेटा यहां पे एंट्री हो जाएगी सिंपल सी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 40,000, ठीक है। ये लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस हुआ था सारी परचेज की एंट्री, कि जब भी गुड्स किसी भी रीजन से यूज हो बच्चे, चाहे चैरिटी, डोनेशन, एडवर्टाइजमेंट, सैंपल,
कहीं पे भी अगर मेरा गुड्स जाएगा तो परचेजेस क्या हो जाएंगे बच्चे हमारे, क्रेडिट हो जाएंगे, और जिस रीजन से गुड्स गया वो हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बच्चे हमारी यहाँ फिफ्थ, देखिए कहता है प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कॉस्टिंग 50,000। बेटा 50,000 की मशीनरी पे हमें 20% का क्या लगाना है बच्चे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अब आप, सिंपल सा लॉजिक, फिफ्थ एंट्री है बच्चे आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की, डेप्रिसिएशन लगाना है ना, किस पे लगाना है, मशीनरी पे। पहले आप यहाँ पे देख लेंगे कि मशीनरी है यहाँ पे 50,000, कितने का डेप्रिसिएशन था, कितना परसेंट, 20%। तो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन 20% कितना हो जाएगा इसका, 10,000, तो 40,000 की वैल्यू रह जाएगी। लेकिन हमें इस वैल्यू से अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या देखना है, सिर्फ इस डेप्रिसिएशन को देखना है। हमने 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, तो जब आप अगर रिकॉर्डिंग सुनोगे तो मैंने उसमें क्या बोला था कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को डेप्रिसिएशन क्या करता है, कम करता है। तो सीधा सीधा लॉजिक हो जाता है कि सर हमारी मशीनरी की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, दैट मींस वो क्रेडिट होगी, सिंपल सा रूल है। अब डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है बेटा, एक्सपेंस होता है, तो सिंपल एंट्री क्या बन गई यहां पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, किस पे लगा है ये, ₹10,000। ठीक है, इसके बाद बच्चे आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे हम अपनी, आउट ऑफ द इंश्योरेंस पेड दिस ईयर 3,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। जो मैंने 3,000 का इंश्योरेंस इस साल पे किया था, ठीक है, वो 3,000 रुपए हमारे नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं बच्चे। नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या हो गया, प्रीपेड हो गया, क्या हो गया यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए अब एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट 3,000। अब हुआ क्यों ये समझ लेते हैं बच्चे, प्रीपेड का नेचर होता है असेट्स, प्रीपेड क्या कहलाती है बच्चे, सारी असेट्स, असेट्स जब भी बढ़ती हैं तो वो क्या होती है बेटा यहाँ पे, डेबिट होती हैं। क्या होती हैं बच्चे यहाँ पे, वो डेबिट होती हैं। ठीक है, टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या था, मैंने नेक्स्ट मंथ का जो एक्सपेंडिचर था या नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपेंडिचर था मैंने आज प्रेजेंट में पे कर दिया, यानी मेरे आने वाले समय के खर्चे क्या होगा यहाँ पे, तो एक्सपेंस जब भी कम होगा तो वो क्या होता है बच्चे यहाँ पे, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, देखिए बेटा आपकी सेवेंथ एंट्री है बच्चे यहाँ पे कि अलाउ 5,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज 1,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो दो चीजें समझो यहाँ पे, पहली बात तो ये क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज का मतलब होता है किसी भी चीज पे कोई चीज चार्ज होती है ना, वो क्या हो जाता है, वैल्यू कम करता है हमेशा, एक तो लॉजिक ये हो गया। अब प्रैक्टिकल लॉजिक पे आते हैं कि मैंने 5,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो बेटा अगर मैं 5,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता हूं तो यहाँ पे देखेंगे एंट्री आप, सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको बताया भी था कि हमें यह देखना है कि जो आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो हमें मिलेगा या हम उसे पे करेंगे। तो बेटा उसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटल ओनर ने बिजनेस में लगाया होता है तो उसके ऊपर बिजनेस को उसे इंटरेस्ट देना होता है, तो बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चे, एक्सपेंस हो गया कि हमें फर्म को देना है, यानी ओनर को देना है सॉरी। तो जो भी चीज मेरे को ओनर को देनी होती है ना बेटा, वो कहां पे एडजस्ट होती है, उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होती है। अब लॉजिक समझ लो, आईओसी का नेचर क्या बताया बच्चे मैंने आपको, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि मैं ओनर को दूंगा तो ओनर का कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है बच्चे यहाँ पे, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अमाउंट कितना था आपका, 5,000 और 5,000, इसी के अंदर एक एंट्री और है बच्चे हमारी, क्या, आईओडी की, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेरे को मिलेगा, किसको मिलेगा, फॉर्म को, लेकिन मिलेगा किससे बच्चे, ओनर से। तो अगेन जब भी कोई चीज मैं ओनर से लूंगा ना, तो मैं उससे कैश में नहीं मंगवाऊंगा, मैं कहां से एडजस्ट कर लूंगा, उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लूंगा। तो क्योंकि आईओसी मेरे को रिसीव होना है, तो वो मेरे लिए क्या है, रिवेन्यू, और रिवेन्यू जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट।
लेकिन कहां से लेना है मेरे को वो कैपिटल से। तो जब कैपिटल से मैं आईओसी को डिडक्ट करूंगा तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, जब भी कैपिटल डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो बेटा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1002 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 1000। ठीक है बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, पेड इनकम टैक्स बाय, चलो पहले इससे एक आती है एंट्री, सोहन हु ओड अस 25,000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड अ चेक ऑफ 40 पैसे इन अ रूपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिम एज अ फुल सेटलमेंट। बेटा सोहन एक पर्सन है जिसने हमसे 25,000 रुपए का उधार लिया हुआ था, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है वो बिल्कुल ही कंगाल जिसे बोलते हैं, पैसा नहीं बचा अब उसके पास, लेकिन उसके पास से मेरे को 40 पैसे इनर रूपी रिसीव होते हैं चेक के थ्रू। ठीक है, ये एंट्री है हमारी। अब ध्यान से समझते हैं इस एंट्री को बच्चे, पहले हम इसके लिए तैयार करेंगे बच्चे यहां पे एक वर्किंग नोट। देखो कैसे भाई, सोहन से मेरे को 40,000 रुपए लेने थे, ठीक है जी, कितने 25,000 है, 25,000 हमें सोहन से लेने थे बच्चे, वो हो गया इंसॉल्वेंट, लेकिन उसकी तरफ से मेरे पास कितने आए, 40 पैसे इन अ रूपी। तो बेटा एक पैसे में कितने होते हैं, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं ना तो ये एक्चुअल में क्या है, एक तरीके से 40% है, यानी आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है भाई, 100 पैसे में से 40 पैसे रिसीव हुए तो कितने हो गए 40%, 100 पैसे में से 30 पैसे रिसीव हुए 30%, सिंपल है। तो अब आपको 40% रिसीव हुआ, वो 40% इसका होगा बच्चे 10,000 रुपए, कितना होगा, यानी मैंने सोहन से 25,000 लेने थे, 10,000 रुपए मेरे को मिले हैं चेक के थ्रू मिले हैं। तो यहां पे देखिए एंट्री क्या बनी, अब भाई बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने मिले 10,000, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू सोहन 25,000। क्यों, अब सिंपल एंट्री आपको अब ज्यादा बेटर समझ आती है कि भाई 25,000 आने थे, 10,000 आ गए और 15,000 मेरे डूब गए, यानी डेटर्स जो थे वो क्या हो गए यहां पे, बैड हो गए, उन्होंने मना कर दिया पैसा देने के लिए। ठीक है, तो ये एंट्री बन जाती है कि 25 में से 10 मेरे को रिसीव हो गए, 15,000 की क्या हो गई मेरी बच्चे यहां पे, बैड डेब्ट्स हो गई। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है बच्चे आपकी अच्छी है, वो भी एंट्री देखो क्या है, 9th पेड इनकम टैक्स 10,000 बाय चेक, पेड इनकम टैक्स 10,000 बाय चेक। ठीक है, 9th एंट्री है इनकम टैक्स पेड 10,000 बाय चेक। यहां पे समझने वाली चीज क्या थी, मैं आपसे क्यों पूछ रहा था बेटा, इनकम टैक्स किसकी इनकम पे क्या होगा, ओनर की इनकम पे, ओनर अपना इनकम टैक्स भर रहा है तो वो कौन सा खर्चा हो गया उसका, पर्सनल एक्सपेंस। तो पर्सनल एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो अब यहां पे जो एंट्री पास आउट होगी वो होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू चेक के थ्रू गई है तो बच्चे बैंक अकाउंट। अब आप कहोगे सर ठीक है ये तो समझ आ गया, इसको मैं आपको थोड़ी और याददाश्त तेज कर देता हूं, गजनी काइंड ऑफ, थोड़ा सा हम रिवर्ट बैक जाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो वहां पे इनकम टैक्स आया था, तो हमने कैपिटल में से उसको माइनस किया था, लेकिन वहां पर भी आपको ये चीज मेंशन कराई हुई है कि इनकम टैक्स क्या कहलाता है हमारे लिए, ड्रॉइंग्स कहलाता है। ठीक है, सारी चीजें बताई हुई है पहले आपको ये, ठीक। तो इनकम टैक्स क्या है बेटा, कोई भी ओनर का पर्सनल खर्चा, इट इज अ ड्रॉइंग्स फॉर अ फर्म। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, सैलरी पेड 80,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 20,000। चलो जी दो एंट्री है, सबसे पहली बात ये टर्म ना बेटा बहुत मायने रखता है, एंड वाला, एंड लगते ही एंट्री का मतलब क्या हो गया, और, इंग्लिश वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और का मतलब तो हो जाता है या तो ये, लेकिन जब एंड लग गया, एंड को हिंदी में भी और ही बोलोगे आप, लेकिन उस और का मतलब क्या है, ये भी और ये भी। ठीक है, अब पहली एंट्री क्या है, सैलरी पेड 80,000, 80,000 की बच्चे हमने सैलरी पे करी, तो देखो यहां पे एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट
ठीक है बच्चे, ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब दूसरी एंट्री क्या है बच्चे हमारी यहाँ पे, सैलरी आउटस्टैंडिंग 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है बच्चे। तो सब देखो, कभी भी एंट्री आती है ना, जल्दबाजी नहीं करनी हमें करने की, पहले हमें सोचना है इसमें आया क्या। भाई सैलरी आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं करी, तो अब सैलरी पे तो करनी थी ना लेकिन मेरे को, तो सैलरी का नेचर क्या है बच्चे हमारा, खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड। अब ऊपर वाली में मैंने जब उसे पे कर दिया था तो कैश अकाउंट क्या हो गया मेरा, क्रेडिट, क्योंकि पैसे चले गए, लेकिन इसके अंदर मैंने अभी पे नहीं किया, ये मेरे लिए आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का नेचर क्या है, लायबिलिटी, क्या है, तो लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो बच्चे क्या होती है, क्रेडिट। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, टू आउटस्टैंडिंग ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी।